दोस्तों, एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल स्नैक मन से आ रहे वाल्मीकि स्वागत आपका। और अभी हम पहुंच चुके हैं चोकरदा गांव में, जो कि सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत है। और हमारे भाई साहब रमन जी के घर के अंदर एक कोबरा सांप आ चुका है, तो अभी हम इसको रेस्क्यू करने का प्रयास करें। तो हमारी वीडियो में अंतर जुड़े ताकि इसके बारे में आपको तमाम जानकारी दे सके। तो देखिए दोस्तों, ये इंडिया का जो कि जहरीला सांप है, तो आपको दिखा देते थोड़ा जूम करके। देखिए यह मोटर है पानी वाली, तो इसके बैक साइड में बैठा है। तो देखिए दोस्तों, करीबन ये 4 फीट का सांप है। तो ऐसे सांपों से आप दूरी बना के रखें, अगर इनके बारे में आपको जानकारी ना हो तो आपके नज़दीकी जो भी स्नेक रेस्क्यू टीम हो तो उन्हीं से आप इन सांपों को रेस्क्यू कराएं, अन्यथा किसी को कोई नुकसान हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, ये काफ़ी जो कि इसने अपना फन फैला लिया, तो फुंकार भी लगा रहा है, थोड़ा नज़दीक दिखाइए। तो देखिए दोस्तों, ये फनियर सांप है, तो इनकी पहचान जो कोबरा सांप की, जो कि ब्लैक कलर में होते हैं और फनियर होते हैं, तो इनकी यही पहचान होती है। अगर ऐसा सांप किसी इंसान को बाइट कर लेता है तो करीबन 2 निशान बनते हैं, जहाँ इंसान की कहीं भी बाइट होगी। पूरा ताजा मोटा है, 4 फुट क्यों? ऐसे सांपों से आप छेड़छाड़ ना करें, अगर इन सांपों के बारे में आपको जानकारी ना हो तो, क्योंकि ये एक जहरीला सांप है। देखिए दोस्तों, काफी फुर्तीला सांप है। तो देखिए दोस्तों, फुर्तीला सांप है, ऐसे सांप अक्सर बाइट कर लेते हैं। तो देखिए किस प्रकार जो कि अपना जो कि प्रयास कर रहा है हमारे छुटाने का, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो यार फल ज्यादा दान दे कोई बस अपना नहीं मन कराने का हम मेरे अच्छे ना। तो देखिए दोस्तों, जो कि कितना तेज तरार जो कि सांप है, फुकारे मार रहा है और ये बाइट करने का जो कि बार बार प्रयास कर रहा है। तो देखिए दोस्तों, इसको मैंने रेस्क्यू कर लिया, तो करीबन 4 फीट का सांप है। बीट करते। तो देखिए दोस्तों, करीबन 4 फीट का है, तो अक्सर देखिए दोस्तों, ये अपने जो कि घबराहट की वजह से, डर की वजह से बीट वगैरह भी कर देते हैं। तो ऐसे जो कि ये बीट करते हैं, तो इनसे अगर आँख में चली जाए तो आँख में दिक्कत आ सकती है, इंसान की आँख खराब भी हो सकती है। तो देखिए दोस्तों, जब भी ऐसा सांप किसी इंसान को बाइट करता है तो लगभग 45 मिनट में इसका विष जो कि इंसान के पूरे बॉडी में फैल जाता है, उसी के चलते इंसान को हार्ट अटैक की वजह से मौत भी हो सकती है। तो ऐसा सांप किसी इंसान को बाइट करता है तो आप किसी भी झाड़फूँक के चक्करों में ना पड़े, क्योंकि झाड़फूँक से इसका विष नहीं उतरेगा। और आपके नज़दीकी जो भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लगे तो उसमें ही अपना जो कि एंटीवेनम लगवाए, ताकि इंसान की जान बचाई जा सके। और इनके बारे में अगर जानकारी ना है तो इनके साथ आप छेड़छाड़ ना करें। तो देखिए दोस्तों, इसे मैं डिब्बे में पैक कर लेता हूँ, और हमारी वीडियो देखिए, हमारी कॉपी करने की कोशिश ना करें, अन्यथा आपको कोई नुकसान हो सकता है, किसी की जान भी जा सकती है। तो देखिए दोस्तों, इसे मैंने डिब्बे में पैक कर दिया। और दोस्तों, हमारी वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा यूट्यूब चैनल स्नैक मन से आ रहे वाल्मीकि के नाम से, उसे ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी वीडियो के माध्यम से एनजीओ के बारे में आपको अधिक जानकारी मिल सके और आप भी हमारी वीडियो के माध्यम से एनजीओ को अधिक से अधिक बचा सकें। लेकिन दोस्तों, इन भाइयों का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने इतनी देर इससे निगाह बनाए रखी और इस सांप को भी बचाया और खुद को भी बचाया। तो दोस्तों, हमारी वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।